मार्कंडेय महादेव मंदिर भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से 30 किलोमीटर दूर कैथी गांव में स्थित है। वाराणसी से गाजीपुर राजमार्ग द्वारा कैथी गांव जाया जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को पूर्णतः समर्पित है। श्री मार्कंडेश्वर महादेव धाम यह पूर्वांचल के प्रमुख देवालयों में से एक भी है। मार्कंडेय महादेव मंदिर उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों में से एक है। द्वादश ज्योतिर्लिंग के समकक्ष वाले इस धाम की चर्चा श्री मार्कंडेय पुराण में भी की गई है। विभिन्न प्रकार की परेशानियों से ग्रसित लोग अपनी दुखों को दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक दंपति थे जिनका नाम प्रकंडू और उनकी पत्नी मरुदवती थी। वे भगवान शिव के भक्त थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने का फैसला किया और एक दिन भगवान शिव उनकी आराधना से खुश हो गए और दोनों को अपने दर्शन दिए। दंपति ने भगवान शिव से संतान प्राप्ति के लिए अनुरोध किया। भगवान शिव ने कहा कि आपके दाम्पत्य जीवन में संतान सुख नहीं है क्योंकि आपने मेरी आराधना की है। इसीलिए आपके समक्ष दो विकल्प हैं कि सामान्य पुत्र जिसकी आयु लंबी हो या असाधारण पुत्र जिसकी अल्पायु अर्थात उसकी आयु केवल 16 वर्ष हो। दंपति ने असाधारण पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव से अनुरोध किया। कुछ समय बाद मरुदवती ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम मार्कंडेय रखा। जो एक असाधारण बालक था और भगवान ने बच्चे को उपहार दिया और बचपन में ही वो बच्चा बहुत बुद्धिमान हो गया। वो हमेशा भगवान शिव और महामृत्युंजय मंत्र के स्वामी के लिए समर्पित थे। भगवान भोले ने अपने परम भक्त मार्कंडेय ऋषि को दर्शन देकर यह आशीर्वाद दिया था कि आज से जो भी श्रद्धालु या भक्त मेरे दर्शन को इस भाव में आएगा वो पहले तुम्हारी पूजा करेगा उसके बाद मेरी। तब से ये आस्था धाम मार्कंडेय महादेव के नाम से विख्यात है। इस मंदिर को महामृत्युंजय मंदिर भी कहा जाता है। मार्कंडेय महादेव मंदिर में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अलावा सावन माह में काफी संख्या में कांवरिया बाबा का जलाभिषेक करते हैं। साथ ही भक्तगण यहां महीने में दो त्रयोदशी को भी भगवान भोलेनाथ का दर्शन पूजन कर धन्य होते हैं। स्पेशल डेस्क।